Hi friends, this is Rohit. Today in this video, we are going to unbox and review Opta One Smart Watch, जो कि काफ़ी बेहतरीन है एंड इसका जो प्राइस है वो 3500 के समथिंग में आता है एंड प्राइस तो यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है ब्रांड के कंपैरिजन में। और यहाँ पे ये थोड़ा सा एडिशनल फीचर के साथ आता है, जो कि इसमें टेम्परेचर सेंसर भी दिया गया हुआ है, जिससे आपके बॉडी का हीट जो भी है ये भी बताता है। तो बस एक एडिशनल फीचर्स की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है, नहीं तो आपको घड़ी 2000 के आसपास भी स्मार्ट वॉच मिल जाएगा। बैंड आपको 1000 के रेंज में भी आता है बहुत सारे, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन वो भी हो सकता है, बट यहाँ पे टेम्परेचर का फीचर्स मिलता है तो ये काफ़ी बेटर हो सकता है। देखते हैं इसी वीडियो में इसका अनबॉक्स करते रिव्यू देता हूँ, ऑनेस्ट ओपिनियन आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑप्टा वन का बॉक्स कुछ इस तरह से है एंड ये ओपन होता है ऊपर की तरफ से, इसे हटाना है एंड फर्स्ट लुक में हमें वॉच देखने को मिल रहा है यहाँ पे एंड बॉक्स कुछ इस तरह से ओपन होता है, काफ़ी स्टाइलिश है ओपन करने का तरीका। एंड यहाँ पे यूजर मैनुअल एंड इसमें एक मैग्नेट का जो केबल आता है चार्जिंग के लिए वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ये जो यूजर मैनुअल है यहाँ पे आपको बारकोड है, जिसके जरिए आप इसे हार्ड करके एक एप्लीकेशन आता है जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी इसे यूज कर रहा था कुछ दिनों से, तो मैंने इसे डाउनलोड कर रखा था। तो फिलहाल अभी सबको साइड में रखते हैं एंड फोकस करते हैं अपने वॉच पे। तो कुछ इस तरह से रखा हुआ है वॉच, काफ़ी अच्छा दिख रहा है एंड इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बेटर है एंड जो इसका स्ट्रैप्स है वो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। एंड कुछ इस तरह से इसे निकालते हैं एंड हैंड फील करते हैं और आपको बताता हूँ कितना बेटर है। तो यहाँ पे ऑप्टा वन को हाथ में पहनने के बाद एजुकेंसी कितना सही लग रहा है एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छे से फिट हो जा रहा है, बट थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल लगता है इसके स्ट्रैप्स में मुझे, एंड एजुकेंसी काफ़ी अच्छा काम करता है एंड यहाँ पे मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा था। इसमें जो सेंसर यूज किया गया हुआ है वो है हार्ट रेट सेंसर एंड उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो आपको नॉर्मली किसी वॉच में देखने को नहीं मिलेगा, बट इसमें आपको बॉडी टेम्परेचर दिया गया हुआ है जिसके जरिए आप अपने बॉडी का टेम्परेचर इसमें आप मेजर कर सकते हो। और ये काफ़ी हद तक सही भी रहा है, जब मैं इसे यूज करा हूँ एक थर्मामीटर भी लगा कर चेक करा और इसके बाद इसका मैं टेस्ट किया हूँ, तो दोनों का लगभग सिमिलर मुझे रिजल्ट देखने को मिला है। यहाँ पे और भी है जैसे ब्लड प्रेशर है एंड इसके बाद आपको ऑटोमेटिक मेजरमेंट कर देता है फिटनेस वगैरह जब आप करते हो, तो वहाँ पे भी आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। उसके बाद आप इसमें रिलैक्स मोड ऑन कर सकते हो और उसके बाद मेडिटेशन वगैरह आप इसमें कर सकते हो, जैसे 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए आप मेडिटेशन इसमें कर सकते हो। जब आप इनहेल करोगे उस समय वाइब्रेट होगा एंड जब आप एक्सेल करोगे उस समय वाइब्रेट होगा, तो आपको काफ़ी अच्छा वो फ्लो मिल पाएगा मेडिटेशन के समय, तो ये काफ़ी सही है इसमें। उसके बाद इसमें फोरकास्ट भी दिया गया हुआ है जिसके ज़रिए आपको ये बाहर का टेम्परेचर वगैरह बताता है कितना है अभी क्या है, ये सारा चीज़ इसमें बताता है। जो इसमें ब्लूटूथ यूज किया गया हुआ है वो है 4.0 का, लेटेस्ट नहीं है बट काफ़ी हद तक काफ़ी सही काम करता है। यहाँ पे जो ऑप्टा वन में इंटेलिजेंट नोटिफिकेशन का मोड है वो काफ़ी हद तक मुझे सही लगा है। आप इसे देख भी सकते हो, जब किसी का कॉल आता है तो वहाँ पर आप देख सकते हो किसका कॉल आ रहा है, नंबर शो नहीं होता है एग्जैक्टली, आपका जो नेम सेव होता है वो दिखाई देता है। उसका जो ईमेल्स आते हैं वो भी अच्छे से आप देखकर पढ़ सकते हो, एसएमएस वगैरह अगर किसी का आता है तो वो देख सकते हो एंड व्हाट्सएप FB जो भी जितना भी सोशल मीडिया है एंड टेक्स्ट जीमेल है वो सारा आप इसमें देख सकते हो। हाँ, इसमें आप रिप्लाई नहीं कर सकते, बस आप इसमें देख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा होता है। आपके मोबाइल पैकेट में होता है और आप इजीली आप निकालें और देख लिए किसका कॉल आ रहा है, किसका ईमेल आया है एंड किसका मैसेज आया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे फंक्शन दिया गया हुआ है। उसके बाद इसमें भी और भी मोड है, जैसे आप कैमरा वगैरह ऑन करते हो तो इससे आप फोटो वगैरह ले सकते हो, म्यूजिक को आप देख सकते हो कि कौन सा म्यूजिक बज रहा है क्या है, अलार्म वगैरह इसमें आप देख सकते हो एंड काफ़ी अच्छा है इसका फंक्शन यहाँ पे। जो इसमें बैटरी यूज किया गया हुआ है वो बैटरी है 200 mAh का बैटरी है, जो कि मैग्नेट चार्जिंग मोड के साथ आता है, जिसका केबल है वो पीछे से इसमें आप लगा दो एंड ये मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा, उसके बाद ये चार्ज होने लगता है। नॉर्मली आपको ये 2 घंटे से 2.5 घंटे लगाएंगे फुल चार्ज होने में एंड उसके बाद जो इसका बैटरी का बैकअप है वो कुछ इस तरह से है
कि अगर आप इसे फास्ट ड्रेन करते हो, जैसे ऑलवेज ब्लूटूथ ऑन रखते हो, डिस्प्ले ऑन रखते हो, रिस्ट का जो भी जेस्टर वगैरह है वो ऑन रखते हो, ऑल नोटिफिकेशन आता है, कंटिन्यू हार्ट रेट ऑन रहता है, हाईएस्ट ब्राइटनेस रखते हो, तो वहाँ पे आपको ये 2 से 3 दिन ही बैटरी दे पाएगा। बट वहीं पे आप इसे बैटरी बैकअप के लिए यूज करना चाहते हो, थोड़ा लॉन्ग चले, तो आपको ये 5 से 7 दिन दे देगा। जब अगर आप इसका ब्लूटूथ ऑफ रखते हो, जब यूज हो उस समय ऑन रखते हो, डिस्प्ले हमेशा ऑन नहीं करते हो, या जेस्टर वगैरह कंट्रोल्स जो भी है वो थोड़ा सा नॉर्मल यूज करते हो, तो यहाँ पे आपको 5 से 7 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा। तो बैटरी बैकअप के लिए मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा है, मैं इसे यूज किया हूँ तो मुझे काफ़ी बेटर लगा है। यहाँ पे जो वाटरप्रूफ का रेटिंग है वो है IP67, जो कि एवरेज है बट काफ़ी सही है। IP68 आता है लेकिन ये IP67 है। फिर भी मैंने इसे पानी में डाला और चेक कर रहा हूँ कि कितना बेटर रिस्पॉन्स रहता है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चल रहा है। मैं इसे लगभग कुछ दिन जो यूज किया हूँ उसमें हाथ वगैरह में धोया हूँ मैं इसे लगाकर ही, तो काफ़ी अच्छा ये काम करा है वहाँ पर भी। फाइनली इस वॉच को यूज करने के बाद जो एक्सपीरियंस रहा है वो तो काफ़ी बेटर है। इसका जो प्राइस है वही थोड़ा सा ज़्यादा है, 3599 है। इस रेंज में काफ़ी अच्छा आपको स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाएगा, बैंड भी काफ़ी सही सही आपको अवेलेबल है। तो ये बस एज अ आप अगर टेम्परेचर के फीचर्स की वजह से अगर आप ये लेना चाहते हो तो काफ़ी बेटर होगा, बट अगर आपको कोई और लेना है तो आप वो ले सकते हो, क्योंकि 3599 देना इसके लिए सही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्वेंशन डिस्ट्रॉय चैनल। अगर आपको इसी तरह का वीडियो देखना अच्छा लगता है न्यू प्रोडक्ट के ऊपर, रिन्यू प्रोडक्ट के ऊपर, किसी गैजेट्स के ऊपर, तो आप इन्वेंशन डिस्ट्रॉय को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय।